जिलाधिकारी और एसडीएम सदर की पहल पर तहसील सदर परिसर में कैंटीन में एक और किचन स्थापित किया गया है, जिससे मुसहर समाज के लोगों के साथ ब्लॉकों में तथा ग्रामीण क्षेत्रों और क्वारंटाइन में किए गए लोगों को भोजन मिल सके। आपको बता दें कि नेपाल क्लब में जिला प्रशासन का कम्युनिटी किचन स्थापित किया गया है, लेकिन जरूरतमंदों को पका पकाया भोजन मिल सके इसके लिए तहसील में इसकी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों तक भोजन पहुंचाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार डॉक्टर संजीव कुमार दीक्षित ने कहा, बाल वाला एक तो आ जाएगा बेटा, कोई ये नहीं रहेगा ना, ग्लव आ जाएगा अभी जी। ग्लव सर वो ज़्यादा मात्रा मंगा लेते हैं आप लोग का, तो एक ही है ना, 10-10 पूरियाँ डाल रहे हो जी जी जी। ये पूरी का साइज छोटा है, पूरी छोटा है, बड़ा कर जी। देखिए हम लोग तो कम्युनिटी किचन के माध्यम से ऑलरेडी नेपाल क्लब में हम लोग का पूरा चल रहा था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में और माननीय जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देश के क्रम में ये हुआ कि और भी लोग ऐसे जो हैं, स्पेशली मुशहर लोग हैं या विभिन्न ब्लॉकों में ग्रामीण इलाकों में जो क्वारंटाइन लोग हैं, उनको भी आज से हम लोगों ने राशन डिलीवर करना शुरू कर दिया है, पकाया खाना, उसमें स्पेशली पूरी सब्जी तहरी आदि जिसको थोड़ा हाइजीनिक तरीके से बना के उनको देने का आज से प्रावधान किया गया है।